हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन है, तो वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर वाईफाई QR कोड वगैरह कैसे शो कर सकते हैं वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई QR कोड वगैरह कैसे निकाल सकते हैं और आप कैसे शो कर सकते हैं वीवो T3 लाइट 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर वाईफाई QR कोड शो कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर वाईफाई QR कोड भी आप शो कर सकते हैं, कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क इंटरनेट। तो नेटवर्क इंटरनेट पे जाना है, जहाँ से हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे चले जाना है। तो जब आप हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे जाते हैं तो हॉटस्पॉट एंड थैथरिंग पे जाकर अपने वाईफाई QR कोड को भी आप अपने फ़ोन में शो कर सकते हैं और कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली देख सकते हैं सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाना है, जहाँ से कुछ इस तरीके से ऑन करते हुए वाईफाई QR कोड को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिसके जरिए वाईफाई QR कोड का यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियो इस पर शेयर करें।